शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किस्मत की लकीरों से जिस तरह तुमने इस घर को खुशियों से भर दिया, हमेशा कोशिश करूंगी कि आपके दिए संस्कारों से अपने ससुराल में सबका दिल जीत सकूं। दुल्हनिया आज मजा आएगा। रुक चल बैठ बैठ चल बैठ। दीदू और डॉली दीदी फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? कीर्ति, श्रद्धा पार्लर से निकले के नहीं? मम्मी, दीदू और डॉली दीदी फोन ही नहीं उठा रहे। हे पापा, दोबारा फोन लगा लगा। आप परेशान मत होइए, हम ट्राई कर रहे हैं। लगा? यशवी जी, क्या बात है? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? सब ठीक है ना? शायद श्रद्धा भी अभी तक नहीं आई है। प्लीज मुझे जाने दी, आज मेरी शादी है। शादी है ना तेरी? मंडप में जिंदा जाएगी है, तेरी लाश भेजू। निकल, चल पूरे घर निकल, फटाफट निकल 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 ले निकल। अरे आप तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे गलत जवाब देने पर आप 1 करोड़ रुपए हार जाएंगी। सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी हो गई? अगर ऐसी कोई बात है तो आप हमें बता सकती हैं? नहीं नहीं, वो हम यही पता कर रहे थे कि श्रद्धा पार्लर से निकली या नहीं। आंटी जी। हाँ? सॉरी बुआ जी। आपको लेटेस्ट खबर मिल गई ना? तो जाइए ना, पीछे बैठ के आराम से ठंडा निपटाइए। रितु को भी ना चैन नहीं है, फिर करेगी कोई गड़बड़। रितु? हाँ जी भाभी, यहाँ आइए ना। आई भाभी। बुआ जी जाइए। हाँ जा रही हूँ। फोन लगाती रह कीर्ति, कभी तो उठाएगी। ये डॉली भी ना पता नहीं कब, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी परेशान मत होइए, आ जाएंगी। लगा बेल जा रही है। जो दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है। पता तो हमें करना पड़ेगा कि नैना भाभी की गुणवंती बहू है कहां पर। चल रितु, काम पर लग जा। चुप रे यार, को चुप चुप रहो उसको यार।
तुम्हारी गोली मार दूंगा। रुक जा, रुक जा। अरे ये सब क्या चल रहा है? कब तक हमें अंधेरे में रखेंगे? ना लाइट आ रही है ना दुल्हन आ रही है। शुक्र है कम से कम लाइट तो आई। अब माफ कीजिएगा बहन जी, आपको तकलीफ हुई। अब पावर कट से होते रहते हैं, आपको पता ही है। जनरेटर ऑन करा दिया है, अब लाइट नहीं जाएगी। आप लोग सब कंफर्टेबल रहिए। नैना भाभी, अगर हम कुछ बोलेंगे तो आप कहेंगे कि रितु हमेशा बोलती रहती है, पर भाभी हमारी बात का यकीन कीजिए, हमें लग रहा है कि यहाँ पर आज बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। मतलब? मतलब ये कि मुहूर्त का समय हो चुका है और श्रद्धा अभी तक नहीं आई। भाभी आप तो हर काम मुहूर्त पर करती है, आपसे बेहतर कौन जानेगा कि वरुण और श्रद्धा की शादी शुभ मुहूर्त पर होनी चाहिए। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी तो कौन सी जगह पर तैयार होने गई है जो आने में इतना वक्त लग रहा है। और आप जरा वहां ध्यान से देखिए उन लोगों को, उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। बात तो बिल्कुल सही कह रही है। क्या हुआ? श्रद्धा पता नहीं कहाँ रह गई, इसे भी पूछने लगेंगे तो क्या जवाब देंगे। पापा डॉली दीदी और दीदू का फोन भी नहीं लग रहा, पता नहीं कहाँ रह गई। ये बुआ जी सीआईडी बनके तरह तरह के सवाल पूछ रही है। हमारा मन तो सुबह से बहुत घबरा रहा है कहीं कुछ। यशवी जी आप शांत रहिए, हम ड्राइवर से बात करते हैं। ये ड्राइवर भी फोन नहीं उठा रहा है, ये हो क्या रहा है? ये भगवान हमारी बच्चियों की रक्षा करना, पता नहीं हमारी श्रद्धा कहाँ रह गई है। यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, कहाँ है आपकी बेटी श्रद्धा? मतलब ये तो गजब है इत्तेफाक है, वहाँ कोई फोन नहीं उठा रहा। आपको पता नहीं कि आपकी बेटी कौन से पार्लर में गई है? कहीं तैयार होने के लिए लखनऊ तो नहीं चली गई? अगर वहां गई होती तब भी लौट आई होती। श्रद्धा बेटी बस आती ही होगी। आप हमें क्या तसल्ली दे रहे हैं? आपको खुद पता नहीं आपकी बेटी कहाँ पर है? आप जानते हैं ना कि हम मुहूर्त के कितने पक्के हैं? अब आपकी वजह से हमारे भाई भाभी परेशान हो जाएंगे। अरे बहन जी आराम से बात कीजिए, सारे मेहमान देख रहे हैं। ये तो क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रहे हो तुम? भैया हमारा तो कलेजा फटा जा रहा है वरुण के बारे में सोच सोच कर। क्या मतलब? मतलब आप इन्हीं से पूछिए, जब इनकी बेटी पार्लर से वापस आई ही नहीं तो ये हमसे छुपा क्यों रहे हैं? वो भाई साहब थोड़ा सा वक्त लगा है श्रद्धा को आने में, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ। सक्षम जी आप निश्चिंत रहिए, हम समझते हैं। और वैसे भी आजकल जो नेटवर्क की हालत है हम सभी जानते हैं। देखिए मुहूर्त निकला जाए, मेहमान भी बार बार पूछ रहे श्रद्धा के बारे में, हम क्या जवाब दें? ताई जी जवाब क्या देना है, कानपुर के ट्रैफिक का तो सबको पता ही है। आप भी चिंता मत कीजिए, आती ही होगी। हमारे अभय को कानपुर और बंबई के बीच का फर्क ही नहीं पता। बेटा जी कानपुर का ट्रैफिक बंबई की तरह नहीं होता कि चार पांच गली दूर आप इतने वक्त के लिए फंस जाओ। हमें तो यहाँ पे कोई और ही अलग गड़बड़ नजर आ रही है। बुआ जी से गड़बड़ नहीं, बात का बतंगड़ कहते हैं जो अभी आप बना रही हैं। आपको पता है ना ऑलरेडी दीदू को लेके हम लोग कितना परेशान है। सिर्फ आप लोग परेशान हो, हम लोग नहीं। और परेशान किसकी वजह से हो? अपनी बहन श्रद्धा की वजह से। बुआ जी कहाँ तो आप ये पूछती कि हमारी दीदू ठीक है ना, कोई मुसीबत में तो नहीं? पर नहीं, आप तो नई नई कहानियां बना रही हैं। चुप, एकदम चुप। नहीं नहीं यशवी जी बोलने दीजिए उसे, मत रोकिए। हमें भी तो पता चले आपकी बेटियों के असली रंग। एक की जुबान नहीं रुकती और दूसरी के कदम। अरे जब शादी ही नहीं करनी थी तो क्यों हमारा पैसा और वक्त बर्बाद किया?
है ना भाभी, आपको हमेशा लगता है कि गलती हमारी है, लेकिन हम मेहंदी के वक्त ही समझ गए थे, जब श्रद्धा के हाथ में हमारे वरुण का बी नहीं बल्कि किसी अनजाने का ए लिखा हुआ था। ऋतु जी, ऐसी बात ना कहें आप। क्यों ना करें हम, और कैसे मान ले कि आपकी बेटी को कोई और पसंद नहीं है? कहीं पार्लर के बहाने किसी और के साथ भाग तो नहीं गई? बस कब कहा क्या बोलना है सोच लिया करो। भैया, हम तो सिर्फ वरुण के बारे में सोच रहे हैं। क्या आपको अभी ये रिश्ता सही लगता है? अरे, लड़की की बुआ सस कह रही कि लड़की भाग गई है। चक्कर ही चलाना था तो शादी के लिए हाँ मत कहो ना, घर वालों की बेइज्जती अलग। बेचारा वरुण। गलती चाहे लड़की की हो, अब नाम खराब तो वरुण का ही होगा ना। I'm sorry, मुझे पूछते हुए भी बहुत खराब लग रहा है, लेकिन क्या श्रद्धा शादी से खुश नहीं थी? अगर वो उससे शादी नहीं करना चाहती हो बेटा, हमारा यकीन मानो, अगर श्रद्धा की मर्जी नहीं होती तो ये रिश्ता कभी आगे नहीं बढ़ता। हमने मान लिया कि श्रद्धा अच्छी है, उसकी मर्जी थी, लेकिन श्रद्धा है कहां पर? भैया, ये सिर्फ और सिर्फ मनोहर कहानियां हैं और कुछ भी नहीं। हमें थोड़ा वक्त दीजिए, हम खुद जाके देखते हैं। रुकिए अंकल, कानपुर कोई गांव या कस्बा थोड़ी है, बहुत बड़ा शहर। आप कहां ढूंढेंगे उसे, और शुरुआत भी कहां से करेंगे? वही तो, चिड़िया तोड़ गई। अब कहां ढूंढिएगा? बुआ जी, हमारी दीदू पे आप इतना इल्जाम लगा रही हैं। आप अपने बारे में तो बताइए, हम भी सुने जरा। ऋतु से सवाल करके क्या होगा, इससे ये बात तो नहीं छुपेगी ना कि श्रद्धा गायब है। कितने शौक से ये मंडप सजाया था और अब ये खाली का खाली रह जाएगा। और मुफ्त में लोगों की बेइज्जती सहेंगे वो अलग। हमें किसी की अम्मा बनने का शौक नहीं है, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, जिस बेटी की शादी का मंडप ऐसे बिना शादी के खाली रह जाता है, उस घर की दूसरी बेटी का भी साथ में ही सिमट जाता है। याद रखिएगा, अब तो आपकी ये जो छोटी बेटी है ना कीर्ति, उसकी शादी तो होने से रही। बेटू, कितनी बार तुम्हें चुप रहने के लिए कहना पड़ेगा? भैया, आप हमें डांट दीजिए, हम चुप हो जाएंगे, मगर लोग वो चुप नहीं होंगे, वो सवाल करते ही रहेंगे। देख लीजिएगा, बड़ी बेटी तो बड़ी बेटी, अब इनकी छोटी बेटी से भी कोई शादी नहीं करेगा। संभाल के, यहाँ के बैठे बैठे। पानी ला दो कोई। पापा, क्या हुआ आपको? अरे ठीक हो ना? ये लीजिए, पानी पीजिए आप, पानी पीजिए। अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, श्रद्धा को मैं लेकर आऊंगा। आप ठीक है ना? हाँ। मैं चलता हूँ। अंकल आप बैठिए, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं श्रद्धा को ढूंढूंगा फिर उसे वापस लेकर आऊंगा। पार्लर का एड्रेस? हाँ, श्रृंगार ब्यूटी पार्लर, कल्याणपुर। भाई साहब, घबराइए मत, अभय गया है, जल्दी पार्लर पहुंच जाए। मैम, आपने इनको कहीं देखा है?
हेलो बेटा जी, यहाँ सबके कान खड़े हो चुके हैं, तनिक यहाँ आके लाउडस्पीकर चलाओ, पता तो चले चल क्या रहा है। बेटा, श्रद्धा बेटे का कुछ पता चला? नहीं अंकल, मैं पार्लर भी गया था, वो एक घंटा पहले वहां से निकल गए हैं। लो कर लो बात, अगर लड़की वहां नहीं है तो कहां है? अंकल आप चिंता मत कीजिए, मैं कहीं से भी श्रद्धा को लेकर ही वापस लौटूंगा। दुल्हन जब घर से गायब है तो अब बोलने को बचा ही क्या है? बुआ जी, आपको नहीं लगता कि ऐसे मौके पे थोड़ा सोच के बोलना चाहिए? ये सब सोच का ही तो किया धरा है, हमने सोचा लड़की हीरा है, निकली कोयला, घर वालों के बारे में भी नहीं सोचा और भाग गई, और पीछे छोड़ गई कालिक मुंह पर पोतने के लिए। भाई साहब, मैं तो कह रहा हूँ कि पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। पर अंकल जी, पुलिस तो लापता होने की रिपोर्ट 24 घंटे बाद लिखती है, और अभी तो उतना टाइम हुआ भी नहीं है। जिसे दिल से बेटी मान चुके थे अब वही नहीं है, तो फिर और कितनी जगह सही करवाए? यशवी जी, सक्षम जी, चलते हैं। सक्षम जी, कई दफा इंसान कुछ सोचता है, चाहता कुछ और है, लेकिन किस्मत लकीरें बदल देती हैं। हम दिल से श्रद्धा को अपनी बहू बनाना चाहते थे, लेकिन अब तो लोगों ने भी बातें बनाना शुरू कर दिया है। माफ कीजिएगा, हमें बारात को वापस ले जाना ही होगा। नहीं भाई साहब, ऐसा मत कीजिए। अब इस मंडप में अकेला तो वरुण बैठेगा नहीं, हमें जाना तो पड़ेगा। हा? बुआ, मम्मी प्लीज बस करें, क्या कर रहे हैं आप? पापा, मम्मी, ये जो कुछ भी हुआ है वो हम में से किसी के लिए भी आसान नहीं, लेकिन आप जरा इनकी भी तो सोचिए, इन पर क्या बीत रही होगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि आज भी हमारे समाज में ऐसे घर से जहां से बारात वापस लौट जाए, उस लड़की के परिवार को क्या क्या सहना पड़ता है। लेकिन बेटा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, और क्या दूसरा तरीका है? कितनी देर ऐसे ही इंतजार करते रहेंगे? हाँ, बिना शादी के खाली रह जाता है, उस घर की दूसरी बेटी का भी साथ में सिमट जाता है। अब तो आपकी ये जो छोटी बेटी है ना कीर्ति, उसकी शादी तो होने से रही। साहब, बारात वापस जाएगी लेकिन खाली नहीं, मेरे परिवार ने बहुत प्यार से सजाया था यह मंडप, यह मंडप सोना नहीं रहेगा। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं वरुण बेटे के लिए अपनी छोटी बेटी
कीर्ति का हाथ देता हूं। ये विवाह संपन्न हो गया, आज से आप दोनों पति पत्नी बन गए। अंकल किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।